नमस्कार, आप देख रहे हैं गुलिस्तान समाचार। मैं हूं संभव गुप्ता। हमेशा विवादों से घिरे रहने वाले भाजपा सांसद योगी आदित्यनाथ होंगे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री उम्मीदवार। अगर एक हिंदू का खून बहेगा तो एक हिंदू के खून के बदले आने वाले समय में हम प्रशासन से FIR दर्ज नहीं करवाएंगे, बल्कि कम से कम 10 ऐसे लोगों की हत्या उससे करवाएंगे जो लोग इसी अपने विवादित भाषणों के कारण हमेशा विवादों में रहने वाले भाजपा सांसद योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। वर्ष 1972 में उत्तराखंड में जन्मे योगी आदित्यनाथ ने अपना राजनीतिक कर्मस्थली उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले को बनाया और हिंदू युवा वाहिनी नामक संस्था बनाकर हिंदुओं को संगठित करके धार्मिक प्रचार और प्रसार करते करते इतने लोकप्रिय हुए कि वर्ष 1998 में भाजपा के टिकट पर चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंच गए। योगी आदित्यनाथ की पहचान एक कट्टर हिंदुवादी नेता के रूप में होती है। वंदे मातरम का गायन नहीं कर सकते आप, भारत माता की जय नहीं कह सकते हैं, भारत की धरती पर रहेंगे, भारत का अन्न खाएंगे, भारत का पानी पिएंगे, भारत में अपने सारे कर्म और कुकर्म करेंगे और उसके बाद कहेंगे कि भारत माता की जय नहीं कहेंगे। आखिर इतना तो साफ बढ़ा है किसने क्यों पैदा हुई इस आरमगढ़ के अंदर? कोई माई का लाल भारत माता की जयकार करने में कोताही नहीं बरतेगा, मना नहीं कर सकता। शिवनी जैसे कॉलेज या किसी मदरसे में कोई व्यक्ति इनकार नहीं कर सकता। और अगर उसके बाद अगर किसी ने इस जनपद के अंदर या पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं भी किसी संस्थान में भारत माता की जय और वंदे मातरम की वंदे मातरम गाने पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया तो बापरी ढांचे के कारण ढांचों को ढहाने का कार्य भी इसी चल रहा है। योगी आदित्यनाथ की पूर्वांचल के ठाकुर और ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्रों में अच्छी पकड़ है। आप सब किसी जूठे बर्तन को साफ करते होंगे तो आप ये जानते होंगे कि आपके हाथ में कालिक लगेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उस कालिक को कोई अपने मुंह पे पोत ले। यहां का प्रशासन तो यही काम कर रहा है, इस गंदे और जूठे हाथों को व्यवस्था से हटाने की बजाय उस कालिक के साथ स्वयं लिप्त होकर के उसको अपने मुंह पर अपने चेहरे पर पोतने का कार्य कर रहा है। और ये युवा आज आया है यहाँ पर उस कालिक को पोतने के लिए, उस कालिक से मुंह साफ करने के लिए, बताने के लिए कि नहीं, ये कालिक मुंह पे नहीं लगना चाहिए, इसको हटाइए। और अगर इसको हटाओगे नहीं तो पाकिस्तान समर्थक तत्व बेमौत मारे जाएंगे, उनको कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। हम कहना चाहते हैं जिन्हें पाकिस्तान प्यारा है वे पाकिस्तान में जाएं। जिन्हें पाकिस्तान अच्छा लगता है पाकिस्तान चले जाएं, हम उसको रोकेंगे नहीं। अगर वो चाहेगा तो उसको जाने का किराया भी मुहैया करा देंगे, हम पूरी व्यवस्था कर देंगे। लेकिन ये नहीं हो सकता है कि भारत के अंदर रह करके पर्व और त्योहार के नाम पर इस देश की संविधान की व्यवस्था को, देश के संवैधानिक व्यवस्था को कोई चुनौती देने का कार्य करेगा तो चेतावनी हमें स्वीकार्य नहीं। हम उसका जवाब उसी भाषा में, और उसका जवाब जिस भाषा में वो जानेगा, जिस भाषा में वह उस सीखना चाहता हो, जिस भाषा में वह अच्छी तरह समझ सकता हो, उस भाषा में उस जवाब को हम देना जानते हैं। और अगर प्रशासन ही चाहता है तो फिर तैयारी कर ले। ये हमारे लिए बहुत कठिन नहीं, इस प्रकार के तत्वों पर नकेल कसना, एक झटके में सब काम ठीक हो जाएगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के गहमा गहमी में सभी दलों ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दिया है, सिर्फ भाजपा पीछे रह गई थी। आंकलन लगाया जा रहा था कि राजनाथ या कल्याण सिंह भाजपा के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे, लेकिन जब कांग्रेस ने ब्राह्मण उम्मीदवार दिया तो भाजपा के लिए संकट पैदा हो गया। इसलिए भाजपा ने ठाकरों को दरकिनार कर ब्राह्मण कार्ड खेलने का निर्णय लिया। राष्ट्रवादी ताकतों के सामने अवसर आया है, एक अवसर है, और अवसर से अगर आप चूके तो फिर आने वाला इतिहास फिर कभी आपको माफ नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता है। ये जितनी ऊंचे जवाब इस जनपद के अंदर जाते हैं, कहीं से भी आप घुसे तो आपका स्वागत बड़ी बड़ी मीनारें करती हैं। ये मीनारें आपकी सुरक्षा के लिए है क्या?
क्या इनसे आपकी सुरक्षा होगी, क्या इनसे इस राष्ट्र की सुरक्षा होगी, कैसे हमारी आने वाली पीढ़ी की सुरक्षा होगी? राष्ट्र की व्यवस्था शस्त्र और शास्त्र दोनों से चलती है। शस्त्रेण रक्षते राष्ट्रे, शास्त्र चिंता प्रवर्तते। शस्त्र से रक्षित राष्ट्र ही शास्त्र चिंतन कर सकता है। आज हम सब आपसे यही अपील करने के लिए आए हैं, विश्वासघात का बदला भी दीजिए, राष्ट्रवाद की स्थापना भी कीजिए और शस्त्र और शास्त्र की अपनी पुरानी परंपरा को स्थापित करने के लिए उसकी शुरुआत इस आर्यगढ़ से शुरुआत करिए। केवल माला चपने से काम नहीं चलेगा, कुछ लोग भाला चलाने वाले भी होंगे। हम सब एक धर्म युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। जिहाद का मुकाबला केवल धर्म युद्ध कर सकता है। लोग कहते हैं कि आखिर हिंदिया बानी गठित करने का मतलब क्या था? मैंने कहा आवश्यकता है। हिंदू अलग संस्कृति है, मुस्लिम अलग संस्कृति है, दोनों एक साथ नहीं रह सकती। दो संस्कृतियां कभी एक साथ नहीं रह सकती हैं। ये टकराव होगा, जरूर होगा, और जब दो संस्कृतियां एक साथ नहीं रह सकती इसलिए उसका विभाजन असंभावी है, अवश्य होना चाहिए, एक चेतावनी है। और हिंदू चेतना रैली को जो हम लोग कर रहे हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र में, जब हिंदू चेतना रैली हो रही है, हिंदू चेतना रैली बंधों की चेतना ही नहीं, हिंदू चेतना को जागृत करने के लिए ही नहीं, हमारा एक कार्यकर्ता ठीक ही कहा, हिंदू चेतावनी रैली भी है। एक संकल्प हम सबका होना चाहिए, अगर आप देश को बचाना चाहते हैं तो इस देश के अंदर इस प्रकार का जज्बात पैदा करिए, इस देश के अंदर इस प्रकार की स्थितियां पैदा करिए, क्योंकि हिंदुओं का संगठन कर सके, हिंदू समाज को एक सूत्र में जोड़ सके, आक्रामकता के साथ अपनी कार्रवाई को अंजाम दे सके, इसलिए हम लोगों ने हिंदिया वाहिनी का गठन किया है। अब देखना यह है कि क्या योगी भाजपा की नैया उत्तर प्रदेश में पाल लगा पाएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जहां कट्टरपंथी योगी को पसंद करते हैं वहीं पढ़े लिखे बुद्धिजीवी और शांति प्रिय लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। जिस दिन ये देश, जिस दिन ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, जिस दिन ये देश परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी जैसे युवा सन्यासियों के हाथ में चला जाएगा, उस दिन इस देश में मुसलमानों की स्थिति वही होगी जो पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं की स्थिति हो रही है। आज पाकिस्तान के अंदर मंदिरों में, धर्मशालाओं में, मठों में भेड़ और बकरियां बांधी जा रही है, सुअर पालन खोला जाएगा, सुअर पालन खोला जाएगा। 30 सितंबर 2010 को न्यायालय के द्वारा दिया गया फैसला इस बात को साबित करता है कि जहां भगवान राम लला विराजमान है वही राम जन्मभूमि है, और जब वहां वही राम जन्मभूमि है तो फिर अब बार बार मांग करना कि वहां मंदिर बने, अब तो हम लोगों को मंदिर निर्माण का मार्ग स्वयं प्रशस्त करना होगा, इसके लिए आप सबका आह्वान करना चाहिए। मौजूदा सपा सरकार ने जो विकास की झड़ी लगाई है कि जनता उसे भुला पाएगी? उड़ीसा समाचार से संभव गुप्ता की रिपोर्ट।